हरियाणा के सभी सरकारी पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। रोहतक पीजीआई में नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग ऑफिसर्स केंद्र की तर्ज पर नर्सिंग अनाउंस 7200 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। नाराजगी बरकरार है। पीजीआई कैंपस में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया है। सरकार और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। रोहतक पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर्स का अनिश्चितकालीन यह धरना प्रदर्शन 5 दिन से चल रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन रोहतक पीजीआई के प्रधान विकास फोगाट का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती उनका यह धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6ठा दिन है और हमने विजय पार्क से लेकर डायरेक्टर ऑफिस और वीसी ऑफिस तक रोस मार्च किया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हम ये रोस मार्च डेली करेंगे, हर रोज करेंगे। हमारी पीजीआई प्रशासन से 2 से 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी है अभी तक। हमने समय रहते पीजीआई प्रशासन को और हरियाणा सरकार को सचेत कर दिया था। इस दौरान अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और पीजीआई प्रशासन की रहने वाली है। देखो हम समझ सकते हैं मरीजों के बारे में भी, लेकिन इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी अगर कोई भी हादसा होता है, मरीजों की जो दिक्कत है, इसका पूरा और पूरा पूर्णतः जिम्मेवारी पीजीआई प्रशासन की और हरियाणा सरकार की रहने वाली है।